नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा विष्ट और बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनावी मौज के इस नए एपिसोड में। लोकसभा चुनाव 2024 में भी हर बार की तरह परिवारवाद एक मुद्दा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इसके लिए निशाना साधते रहे हैं, लेकिन यह जुबानी जंग तक ही सिमटा नजर आता है, अमल में इसका कोई असर दिखाई नहीं देता। हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट पर भी यह साफ देखा जा सकता है। हरियाणा की हिसार एक ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ से एक ही परिवार की दो में चुनावी मैदान में है। जननायक जनता पार्टी की मौजूदा विधायक नैना चौटाल अपनी भाभी और इंडियन नेशनल लोकदल उम्मीदवार सुनैना चौटाल के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। एक ही परिवार के दो सदस्यों के चुनाव मैदान में उतरने से हिसार सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। 57 साल की नैना और 47 साल की सुनैना की शादी चौटाला परिवार में हुई है। नैना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की बहू हैं और सुनैना ओम प्रकाश के बड़े भाई दिवंगत प्रताप सिंह चौटाला की बहू हैं। जाट बहुल हिसार लोकसभा सीट पर पिछले 60 सालों में कोई महिला उम्मीदवार नहीं खड़ी हुई। हिसार लोकसभा सीट पर चुनावी लड़ाई चौटालाओं के बीच ही है। भाजपा के उम्मीदवार भी एक चौटाला है, पूर्व राज्य मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जो देवीलाल के दूसरे बेटे हैं। हालांकि चौटाला बहुएं इसे पारिवारिक लड़ाई नहीं मानती हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान सुनैना कहती हैं, यह पारिवारिक झगड़ा नहीं बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई है। रणजीत जी और नैना जी दोनों भाजपा से जुड़े हैं, एक वर्तमान में और दूसरे पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे। जेजेपी मार्च तक हरियाणा में भाजपा सरकार की गठबंधन सहयोगी थी और कहा, मैं देवीलाल जी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती हूं। यह पहली बार नहीं है कि चौटाला परिवार के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कहती हैं, देवीलाल जी का पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, अब उनकी अन्य शाखाएं भी हैं। उनके पति अजय चौटाला ने भी एक बार डबवाली से सुनैना के पति रवि चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वहीं ना तो नैना और ना ही सुनैना विरोधियों से निराश हैं। सुनैना कहती हैं कि वह जहां भी जाती हैं, लोग उनसे कहते हैं कि वर्तमान भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं। ये सिर्फ कृषि आंदोलन नहीं है बल्कि महंगाई और बेरोजगारी की भी चिंता का विषय है। नैना जो किसानों के विरोध का सामना कर रही है, उनका आरोप है कि ये कांग्रेस द्वारा किराए पर लिए गए गुंडों की करतूत है। वो कहती हैं कि किस्मत एक जैसी नहीं रहती, अगर चींटी भी प्रयास करे तो वह भी पहाड़ चढ़ सकती है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।